बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाई उस्ताद ने ना सी जड़ा कदा भी तनहा ना छोड़ा, ऐसा इंसान की उम्मीद करने है। सारे पैना भरा ठीक ठाक हो सो, अल्लाह ताला ने फजल करम खुश बाश उसो, अल्लाह ताला ने तरफो इशाली आ रहा आजमाइश पर सबर करने उसो और खुशी पर उस रब ना शुक्र अदा करने उसो। जी माड़े पैनो तो माड़े भराओ, इंतहाई खूबसूरत दिन उसने खूबसूरत चीज दोपहर, इस वे तकरीबन दोपहर ना टाइम आया, एक डेढ़ बजे ना टाइम है। सो बाकी तुम थंबनेल तो अंदाजा लाए कि उसी क्या जो व्लॉग जो है वो फैमिली व्लॉग उसी है। सो माड़े दो सबाब बाकी जो दो हैं वो अज नाल नहीं होने गए। तो असल अज नहीं कोई स्टोरी वो है कि माड़े मामू इंग्लैंड तो आए हन विद फैमिली। सो है कि जिले में सी पता कि साढ़े इंग्लैंडियन ने असा वास्ते तो चीज़ा नॉर्मल होनिया ही क्योंकि असा जाने इसने रहने, पर वह है कि जोड़े ब्रिटिश होने वो फिर इसने थोड़े दिन इतने रहने हैं आउटिंग वगैरह करने हैं। सो इस प्लैन बनता उन्होंने कि मीरपुर जुलिया जाए, उतने जो डिफरेंट पार्क न विजिट किए जा फिर थोड़ा थोड़ा जहा इंजॉय करा। सो यह है कि सुबह इस वजह तो उन्होंने देखिए कि पार्कों में ज़्यादातर असा जाना आ। सो पार्क जो इतने भेना भरा उन्होंने पता आ कि पार्क ज़्यादातर शामी ने टाइम ज़्यादा बेहतर माहौल होना आ, थोड़ी ठंडक भी पेज होनी। सो असा डिसाइड किया कि असा इतों निकलना तकरीबन दिन ने एक दो बजे तकरीबन टाइम ट्राई कर सके निकलना टेमे पर। सो है कि असा शामी तक उतना पहुंचा, दैन फिर जड़े लेट नाइट असा वापस अच्छा आ। सो वक्त ही है कि मैं अपने घर मौजूद हाँ, फटाफट जुले हाँ अपने मामू ने कार। मैं मामू ने कार कोठी तो कई दफा थकी उसी माड़े विलॉग में बाइक लाया था, बाकी बाद इसकी खिलाने अंदर। सो उन्हें कि आस्ता आस्ता अंदर जुले हैं, थोड़ा वेट करने हैं साढ़े गड्डी वाले भाई और अच्छी रहन, ते उस तो बाद फिर मैं पार्क करा मोटरसाइकिल अपना अंदर ते फिर सफर शुरू करा। यार आई जी साड़ी गड्डी मोटरसाइकिल तकरीबन शामे इच ना पे। सो मैं सोचा मैं इसकी रहन देने इतना है तो बाकी अपने कैब पेन भरना ये चीज़ा तुम्हें पता कि माड़े नाल पक्की होनी है। सो बाकी गड्डी साड़ी बिल्कुल रेडी है, तो हूँ बस ही सारे हो गए तैयार जुड़ी बहने गड्डी। पहले सब पहुंची आए यहाँ आसपा भुट्टो पार्क। बेसिकली जड़ी का खाली ना प्लान से, पर जड़ी का साथ क्या था काफ़ी सुनसान जी जगह सी, मतलब है कि रश कोई नहीं सी। सो ऐसा है कि वो वैसे भी असं नज़दीक पे ना है वापसी पर। सो क्या ना पहले जुले जाए आसपा भुट्टो पार्क। सो आसपा भुट्टो पार्क बिल्कुल खामोशी है, बाहर रोडों पर तो बड़ा रश है, पर इन साइड अगर तक हो तो नथिंग नथिंग नथिंग, सारा कुछ रुकया हुआ। सो असल जी है बेसिकली कि इसलिए चार बजे ना टाइम होया, सो इस वजह तो थोड़ा जहा आम ना रश घट है। कुछ लोग कहने इधर अपनी साइड इस साइड असा इधरों आए इधर आया रश। आहिस्ता आहिस्ता फिर मजीद क्या उसी तेज होना जैसी ना ये स्लो है वक्त ही सारे की कंट्रोल करने पर। ऐ भाई और बैठे हुए इन्होंने बीच कैबन ने, सो सारा कुछ कंट्रोल इन्होंने आता। अरे मारा है जो आहो आई जो आई जो उपरा दी साइड फिरी रहा हूँ सुना थोड़ा जहा पोर्शन रहना है पार्क है ना, बाकी मोस्टली असा फिरी तो। सो
माशाल्लाह ये सारा आर्टिफिशियल कम हूँ मैं इतने अगर आया तो मुझे नज़र आई गया एक रेलगाड़ी आही सकने हो रेलगाड़ी है नाल ऐसा की नज़र आएगी बग्गी नाल ही घोड़े ये दोस्त साढ़े भी इतने बैठे हुए हैं पहली गल इस इतना रश कोई नहीं है तो किसी ने पार कर चंद फैमिलीज आई हैं वो भी बिल्कुल इस अगली साइड सो बाकी है कि हूँ फैमिली आनी सारी उसने भी हूँ सन अस इत बेहन आया सो यह कि मैं जुनी ने कोई पूछा कराया क्या इस घोड़े पर सब बेहने तो एक टेम नौ बंदे बेही सकने पर बंदे ना 100 रुपये है सो सेम जिस पर रेलगाड़ी है उसना भी जी माड़ी भैन तो माड़े भ्रो हूँ पार्क है जिस आई गए इस जगह पर हूँ ये तो सारे भैन भ्रा कि पता ही उसी है कि साढ़े जड़ी का पार्क है ये पार्क इतना है जिस वे लोग पिक्चर ना बना इम्पॉसिबल है समझो उन्होंने इतना अच्छा कंप्लीट ही नहीं होना सो बाकी है कि हम इस शामी ना टाइम है आना पे तो फैमिलीज अच्छा स्टार्ट हो गए हैं असफा बुट्टो पार्क ही फिरे हैं हूँ तो यह है कि काफ़ी ज़्यादा रश ही पे गया जल्द स्टार्टिंग में जाए तो कोई बंदा भी नहीं था सो यह डेढ़ घंटा तकरीबन या 2 घंटे अस इतना स्पेंड करते हैं बाकी हूँ अस आहिस्ता आहिस्ता निकले रहे हैं वापसी की तरफ नेक्स्ट तकने नेक्स्ट कड़ा पार्क है उससे जुड़ा चांसस ये कि जड़ी कस्तू सा सो हमने कि अस आहिस्ता आहिस्ता जुड़े हैं एग्जिट पॉइंट उतों बाहर ड्राइवर साड़ा आई गया उसी भैन तो माड़े भ्रा पार्क है जो निकले नैक्सट अस आई गया उन्हीं तो हाली अस आराम देख सो कि बेन आया हाली तकन आया तो बाकी काफ़ी आवाम उपर खलती भी है बेसिकली आसपास बुट्टो पार्क है इसने सो लैफ्ट साइड है रोड इस नहीं है पहले ये रस्ता चलाने से पर यह फिर इधरों बंद करी उड़ा ने सो है कि काफ़ी लोग अच्छे तो उत्थे उपर खली हाली तो व्यू करने लगे जाने दें कुछ डाउन स्टेयर इस तरह ने जिन्ना बेना होना है सो बाकी है कि मंगला डैम आलमोस्ट आलमोस्ट फुल होने वाला उसकी ऊपर चला जाएगी वो 1242 लाइन है पाइप लगा हुआ जी वो जब पाइप है 1242 आया जी 1242 वो साइड वो थोड़े कश्ती पे गए उसे एंजॉय किया है थोड़ा व्यू बाकी हूँ थोड़ा प्लान बन गया कि इस साइड जो मैं तुम्हें दसा था जितने लोग खलते थे ये टोटल मुकम्मल व्यू है मंगला डैम ना माशाल्लाह बाकी है कि माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत व्यू है मंगला डैम ना सूरज ते नाल मंगला डैम ना पानी नाल आवाम पानी में नजदीक पहुंचे हैं सो यह कि हूँ सूरज भी गरूब हो गया व्यू माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है उसकी पहले व्यू चेक कराने माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत व्यू है बाकी है कि लोग काफ़ी आए हुए हैं इंजॉय करने थे पार्क पानी भी काफ़ी ज़्यादा चल गया मारना गया इसमें जी आवाज़ इसने तो पता लगाना सी है बाकी माशाल्लाह किया कि हूँ इतू क्योंकि मैं वैसे शामी ने टाइम आवाम काफ़ी इसनी है सो यह रश हूँ ज़्यादा हो गया बाकी ओवरऑल है कि माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत व्यू है और मेन चीज़ है कि बारिश भी बननी भी सो यह कि असा हूँ निकलना स्टार्ट तो पहुंची गए अस जड़ी कस पार्क
ਗੁੱਟ ਹੈ ਪਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਹਾੜੀ ਤਰੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਉਲਾ ਤੇ ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸਾਂ ਸਿੱਝਿਆ ਪਰ ਸੀਨੇ ਨੇ ਵਜਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਸਿੱਝਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਵਜਾ ਤੋਂ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਓਵਰਆਲ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਸਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੜਜੜੀ ਕਸ ਪਾਰਕ ਹੈ ਇਸਨੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਉੱਧਰ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਝੂਲੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਵਾਨ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਝੂਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਗਏ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ ਹਾਂ ਸੋ ਚਲਾਈਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਰੋਡ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਈਟ ਵਿਊ ਮਾਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਆਫ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਲੀ ਦੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋੜਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੁੱਥੇ ਕੁੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜਾਣੇ ਵੀ ਦੋਏ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਲੇ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੰਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਝੂਲੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇੱਕ ਇਹ ਜਾਈ ਰਿਹਾ ਸੋ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੇਫ ਲੱਗਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸੋਣਾ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੋ ਸਰ ਟੈਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਲਗਾਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਡੇਂਜਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਲੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਸੋਨੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਨਾ ਰਸਕੀਆਂ ਹੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸੋਨੇ ਤਰੁੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਟਿਕਟ ਲਿਖਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਇਸਨੇ ਵਜੋ ਹੈ ਦੱਸੋ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਟੀ ਮੱਚ ਸੇਫ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਇਹ ਰਿਵੋਲਵ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸਾਂ ਟੇਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸੇਫ ਹੈ ਸੋ ਇਸਨੇ ਸੋਨਾ ਕੋਈ ਡੇਂਜਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੋ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਝੂਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹਰ ਝੂਲੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਸਕ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਿਸਕ ਕਿੰਨੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸਨੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਲਿਆ ਸੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨਾ ਜਿਗਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਸਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਨਾ ਵਿਓ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡਡਿਆਲ ਸੋ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਿਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟਸ ਐਜ਼ੀਜ਼ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਕੂਨ ਐਂਡ ਕੂਲ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿ ਬਾਬਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਫਟਾਫਟ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਖਾਣਾ ਖਾਈ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਕਰਨੇ ਐਂਡਿੰਗ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਪੀ ਹਮਾਰੇ